एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको बुखार लगी होती है और बुखार से तड़प रहा होता है। वो अपने प्रियजनों से, घर वालों से बोलते हैं कि मुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, ताकि अच्छी ट्रीटमेंट होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रात का समय होता है, घर वाले बोलते हैं कब इतने रात को कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो पड़ोस में रहने वाले एक झोला छाप डॉक्टर के बुला के लाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि ये झोला छाप डॉक्टर से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरा बुखार ठीक नहीं होगा, आप शहर के अच्छे डॉक्टर से लेके चलो या मुझसे दवाई मंगवा लो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उनके परिजन, रात के समय में कोई साधन नहीं था जाने के लिए, तो जो डॉक्टर थे गांव वाले झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वो बहुत दिमागदार आदमी था, वो बोला कि कोई बात नहीं है, आप हमारी दवाई मत खाओ, मैं शहर के डॉक्टर से फोन करके उनसे दवा लिखवा करके वो डॉक्टर जो दवाई बोलेगा मैं वो दवा लेकर देता हूँ। तो बोला कि हाँ हाँ वो दवाई मैं खा लूँगा। वो झोला छाप डॉक्टर अपने घर पर गया, किसी भी डॉक्टर को फोन नहीं किया, और आधे घंटे के बाद फिर उनके घर पर आया। तो बोला कि जो बीमार व्यक्ति था वो बोला कि भाई कौन सी दवा दिया है मुझे, दीजिए मैं खाऊंगा। बोला डॉक्टर साहब ने जो दवा बताया है उनको गर्म पानी में लेना पड़ेगा, गर्म पानी में घोल के पीना पड़ेगा। तो घर वाले को बोला कि गर्म पानी दीजिए, एक गिलास गर्म पानी लेकर के आया, उस गर्म पानी पीने के लायक, उसमें वो व्यक्ति थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसमें कोई टैबलेट नहीं दिया। वो व्यक्ति बोला कि मैं इसमें एक टैबलेट, जबकि झूठ बोला उनसे, एक टैबलेट मैंने डाल दिया है और वो डॉक्टर साहब शहर के डॉक्टर ने आपको दिया है, इनको आप पी लीजिए। डॉक्टर साहब ने बोले आधे पौने घंटे में आप ठीक हो जाएंगे। बोला हाँ हाँ दीजिए, और वो गर्म पानी नमक पी लिया। लेकिन उस लड़का को लगा कि शहर के बड़े डॉक्टर ने दवा लिखा है, वो दवा इस पानी में डाला हुआ है और इसको मैं जो पीने के बाद ठीक हो जाएंगे। लड़का तो पी लिया, वो व्यक्ति ने पीने के बाद उसको विश्वास था कि शहर के डॉक्टर से हम ठीक हो जाएंगे, और धीरे धीरे उसका जो बुखार का टेम्परेचर था बहुत बिल्कुल डाउन हो गया, धीरे धीरे बुखार उसका उतरने लगा। इसके बाद देखा कि बुखार जब उतर गया तो गांव के डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो गया, उसके घर वाले को तो लगा कि दवाई खाया है। लेकिन उस डॉक्टर ने जाकर के शहर के एक डॉक्टर से पूछा कि मैंने एक पेशेंट को आपके ही नाम से झूठ बोल करके गर्म पानी और नमक पिला दिया और उस बुखार से तड़पता हुआ आदमी ठीक हो गया, मुझे ये समझ नहीं आया कि कैसे हो गया, जबकि मैंने कोई दवाई भी नहीं दिया। उस डॉक्टर ने बोला कि साइकोलॉजी और दिमाग ऐसा काम करता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप मान लेते हैं कि उन चीज़ों से मेरा ये भला हो जाएगा, तो लगभग मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर काम करने लगता है, और शरीर के अंदर में एक ऐसा डॉक्टर है, शरीर के अंदर में ऐसा इम्यूनिटी है कि जो आपके बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है, जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा होगा। उन्होंने मान लिया कि शहर के डॉक्टर की दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे, और उसको झूठी दवाई ही भले क्यों ना मिल गया, उसका इम्यूनिटी काम करने लगा, उसका दिमाग का डायरेक्शन कह दिया कि हम ठीक हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। तो उसी प्रकार से आदमी के दिमाग में जब कई बार होता है ना, अगर छोटी सी बीमारी होती है और वो मान लेते हैं कि अब बीमारी ठीक नहीं होगी, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो ये हो जाएगा, तो उसकी इम्यूनिटी गलत काम करने लगती है, उसके अंदर में नेगेटिव पॉजिटिविटी आ जाती है और वो बीमार होने लगता है। कई बार इंसान असफल होता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ी कारण यही होती है कि भाई मैं तो हो नहीं सकता, मुझसे चल नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, मेरी एज नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी, उसके दिल दिमाग ऐसा ही काम करता है और सच में वो नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ों के ऊपर विश्वास मत करिएगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव है। पॉजिटिव रहिए, प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।